टेक टीचर्स में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है वासिफ अली और आप जिस तरह से आपको पता ही है कि हम लोग बहुत सारी ट्रिप्स ट्रिक्स और कोर्सेस वगैरह आपके सामने लेकर आ रहे होते हैं और आपको बेहतरीन बेहतरीन से सारी चीज़ें स्किल्स वगैरह सिखा रहे होते हैं। तो आज काफ़ी इस चीज़ की डिमांड थी। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑब्वियसली आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज क्या बताने वाला हूँ मैं। आज जो है मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन कैसे होगी। ज़्यादातर लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को तो विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन का नहीं पता कि कैसे होती है, लेकिन अब जो है विंडोज़ 11 ने आपको ऑफिशियली अपडेट दे दी है, ठीक है। और ये फ्री अपडेट आई है विंडोज़ 11 की तरफ से, लेकिन उसके लिए आपकी पीसी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। इसमें होता क्या है कि पीसी की दो रिक्वायरमेंट होती हैं। होता क्या है कि जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क होती है, जो SSD होती है आपकी, वो क्या होती है, वो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट होती है MBR पे, मास्टर बूट रिकॉर्ड के ऊपर उसका बना हुआ होता है पार्टीशन, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें GPT में, सही है। तो GPT में जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तब जाके, क्योंकि ये सिक्योर बूट होता है और सिक्योर विंडोज़ 11 जो है वो मांगती है आपसे सिक्योर बूट, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। और क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आपके पास भी जो है बहुत ज़्यादा इसकी अपडेट आ रही होगी, विंडोज़ 11 पर अपडेट, लेकिन वो अपडेट होता नहीं है, इतनी आसानी से होता नहीं है, उसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी पड़ती है और उसका जो है वो सिक्योर बूट ऑन करना पड़ता है। तो ये दो रिक्वायरमेंट हैं और ये दोनों रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा अपने लैपटॉप के ऊपर और आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा। ऑब्वियसली काफ़ी इसकी जो अपडेट है वो काफ़ी बड़ी है, डाउनलोडिंग में इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो मैं वो इंशाल्लाह आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा कोई, या बीच में इसको थोड़ा सा स्किप कर देंगे, मसला नहीं है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो आप लोग जो है अपने पास फिर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करके उसको चला सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको एक रिव्यू दूँ विंडोज़ 11 का, मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली और बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार टेक्स्चर्स हैं उसके और उसके कलर्स, और बहुत बेहतरीन उन्होंने इसका इंटरफेस UI बना दिया है और मुझे बड़ा पसंद आया। विंडोज़ एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 10, मुझे विंडोज़ 11 ज़्यादा पसंद आई है। तो ये कि इसी वजह से मैंने तो इसको 2021 नवंबर जैसे रिलीज़ हुई थी उसी वक्त मैंने अपने पास मतलब प्री रिलीज़ करवा लिया था और इसको इंस्टॉल कर लिया था। बट ये है कि मैं आपके लिए इंस्टॉलेशन एक दूसरे लैपटॉप में करके बताऊंगा कि कैसे होगी, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा और जो है फिर इसको हम क्या कहते हैं परफॉर्म करते हैं कि कैसे जो है विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगी। आ जाए, अच्छा जी। तो आपने सबसे पहले करना यह है कि विंडोज़ 11 के लिए आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, लेकिन रीस्टार्ट जो आप करें वो शिफ्ट दबा के रीस्टार्ट करना है। शिफ्ट दबा के रीस्टार्ट करेंगे तो वो जो है फिर इस जगह पे, मतलब CMD पे आपको लेकर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको अपने अकाउंट का एक्सेस देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, आप देखें इसमें CMD पे मुझे लेकर आ जाएगा। तो CMD पे मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी, एक कमांड थी हमारे पास mbr2gpt.exe, ठीक है। मोस्ट केसेस के अंदर होता यह है कि इस कमांड से और स्लैश कन्वर्ट, सही है, इस कमांड से देखें आपका और काफ़ी लोगों का, मेरा एक दूसरा PC भी जो है वो इसी तरीके से कन्वर्ट हो गया था MBR से GPT पे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नहीं भी हो रहा, तो उसके लिए भी इश्यूज़ आ रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ कि मेरा ये हो रहा है PC कन्वर्ट या नहीं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसका फिर कोई दूसरा सोल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा विंडोज़ 11 पे कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं चेक करता हूँ पहले ये कमांड मेरे पास चल रही है या नहीं। ये देखें, मेरे ख्याल से ये फेल्ड हो गया। हाँ, ये देखें, डिस्क लेआउट वैलिडेशन फेल्ड फॉर डिस्क 0, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कन्वर्ट होता ये रीस्टार्ट हो जाता, तो इसका कोई दूसरा मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों का यही मसला आ रहा है। तो अभी मैं पहले देखता हूँ कि मैं, मेरे पास विंडोज़ 11 की इमेज फाइल है या नहीं। अगर मेरे पास, अभी मैंने डाउनलोड तो कर ली थी वैसे,
टॉरेंट से डाउनलोड करी थी मैंने, आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ 11 की जो इमेज फाइल है, IMG फाइल कहलाती है वो, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ उसको, फिर मैं रूफस में कन्वर्ट करूँगा और रूफस से फिर जो है मैं USB में उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बस मैं इसको लेकर आता हूँ। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कमांड निकाली है कि जो कि MBR GPT पे, एक तो वो XZ करके होता है कि .XZ आप लगा देते हैं और वो वैलिडेट कर देता है, कन्वर्ट भी कर देता है। ठीक है, तो उससे मेरा ये परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि MBR टू GPT लिखा और /validate/disk0 और /allow full OS। ठीक है, ये आपने पूरा कमांड लिखनी है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये देखें, ये वैलिडेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपने करना ये है, अब इसको कन्वर्ट करना है, तो ये आके मैं वैलिडेट की जगह, सिर्फ मैं वैलिडेट की जगह क्या करूँगा, कन्वर्ट लिखूँगा। ठीक है, कन्वर्ट, सही है, ये आप देख सकते हैं, इंटर करूँगा और ये देखें, ये होना शुरू हो गया, अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट disk0 रिट्रीविंग लेआउट ऑफ डिस्क। ठीक है, अब ये शुरू हुआ है, ट्राइंग टू श्रिंक द OS पार्टीशन, OS के पार्टीशन को श्रिंक कर रहा है, इंस्टॉलिंग द न्यू बूट फाइल्स, और ये क्या कहते हैं, मेरा कन्वर्ट हो चुका है। सही है, कन्वर्जन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, और ये फिर मुझे वार्निंग दे रहा है कि मुझे जो है इसको UEFI मोड पे, ये देखें, फर्मवेयर टू बूट टू UEFI मोड, इसको मुझे UEFI मोड पे लेकर आना है। अब मैं आपको बताऊँगा UEFI मोड पे कैसे लेकर आएंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको रीस्टार्ट किया और रीस्टार्ट करने के बाद मैंने इसको जो है वो BIOS में खोलना है। ये देखें, मैं BIOS में आ चुका हूँ यहाँ पे, और मुझे अब यहाँ से ये देख सकते हैं आप, बूट सिक्वेंस में जाके मुझे देखें, ये लेगेसी मोड पे हुआ हुआ है, तो मुझे इसको UEFI पे कन्वर्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा अब मैं, ये देखें, अब ये UEFI पे आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है, सही है ना, इसको मुझे ऑन करना है, और ये UEFI पे आ गया मेरा, और जो है मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, ये थी पहली सेटिंग। दूसरी सेटिंग जो थी वो मैंने आपको TPM का बताना था कि TPM क्या चीज़ है, TPM की जो वैलिडेशन है उसको हमें देखना है। तो सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी में जाके और इसको खोल लें, सिक्योरिटी में जाके TPM सिक्योरिटी, ये देखें, सबकी आपकी अलग हो सकती है, मेरी यहाँ पे अलग आ रही है, तो TPM सिक्योरिटी मैं यहाँ से ऑन कर लूँगा अपनी। ठीक है, ये विंडोज़ 11 के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, इसने मुझे एक वार्निंग दी है कि आपका जो सिस्टम है जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप रिस्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, TPM सिक्योरिटी के ऊपर, और इसके अलावा इसमें बूट सीक्वेंस, ओके, UEFI, बस अब मैं इसको एग्जिट कर लूँगा ताकि ये रिस्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम मेरा रिस्टार्ट हो चुका है, UEFI मोड पे ये रिस्टार्ट हुआ है, और मैंने जैसे UEFI मोड आपके सामने किया था और बिल्कुल ओके सिस्टम ये रिस्टार्ट हुआ है। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं मेरी वो वही की वही हैं या नहीं, वो मुझे एक बार चेक करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा सिस्टम ऑन हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ से आपको चेक करवाना है कि ये MBR पे ही है या GPT पे कन्वर्ट हुआ है। सही है, तो मैं ज़रा आपको चेक करके दिखाता हूँ। हम जाएंगे क्रिएट पार्टीशन के अंदर, इसमें जाके हम, ये आपके सामने आएगी ये, इसको आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सॉरी इधर ब्लर हो रहा है, हाँ ओके, ये वॉल्यूम्स में जाएंगे यहाँ से, ये देख GUID पार्टीशन टेबल, गुइड पार्टीशन टेबल या GPT में ये कन्वर्ट हो चुका है। सही हो गया। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि विंडोज़ के लिए, विंडोज़ 11 के लिए जो हमने दो रिक्वायरमेंट करी थी पूरी, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या नहीं। तो चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स से हम आ जाते हैं अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें विंडोज़ 11 के जो ये इश्यूज आ रहे थे इसको फिक्स करके देखते हैं। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। अब ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो दो जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हुई हैं या नहीं। हाँ, ये देखें, अब ये चेक कर रहा है। अब इसमें से कोई एक रिक्वायरमेंट भी अगर नहीं होगी या एक हो गई होगी तो वो हमें नज़र आ जाएगी। ये देखें, एक चीज़ रह गई है जो कि दो आ रही थी, अब एक चीज़ रह गई, द PC मस्ट
सपोर्ट सिक्योर बूट, सिक्योर बूट यानी कि वो TPM पे हमें इसको सिक्योर बूट पे लेकर आना है। TPM हालांकि हमने चेक लगा दिया था लेकिन वो एक्टिवेट शायद नहीं हुआ है, एक बार फिर से BIOS में जाके उसको एक्टिवेट करना है। ये देख सकते हैं आप लोग TPM सिक्योरिटी पे यहाँ पे ऑलरेडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, सही है ना। तो वापसी हम BIOS में आए हैं, TPM सिक्योरिटी में आए हैं और TPM सिक्योरिटी में डीएक्टिवेट लिखा आ रहा है। यहाँ से इसको आप एक्टिवेट कर देंगे तो वो जो एक रिक्वायरमेंट आ रही है वो भी इंशाल्लाह आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, जिससे कि आपको ये इसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से अप्लाई कर दिया मैंने, एग्ज़िट कर दें यहाँ से, ठीक है। अब ये दोबारा से रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद जब ये आपके सामने विंडोज़ आएगी तो फिर से हम उसको चेक करा के देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही। तो जी सिस्टम हमने रीस्टार्ट कर लिया और आई थिंक जो है यहाँ पे देखें फिक्स इश्यूज भी नहीं आ रहा। मैंने डायरेक्ट जब खोला इसको सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद इसकी सेटिंग्स में जैसे ही गया विंडोज़ की तो ये ऑलरेडी अब यहाँ पे चेकिंग करेगा, तो जैसे ही चेकिंग आएगी तो वो आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद होंगी। जैसे ही आती है मैं आपको दिखाता हूँ, जब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अच्छा ये आप देख सकते हैं मैं जो है USB के अंदर क्या कहते हैं विंडोज़ 11 को, ये देखें विंडोज़ 11 की जो इमेज फाइल है उसको मैं जो है यहाँ पे ISO इमेज जो फाइल होती है, ठीक है, उसको मैं GPT पे जो है वो अभी रूफस, ये एक सॉफ्टवेयर है रूफस, इसके ज़रिए मैं जो है उसको अभी क्या कर रहा हूँ बूटेबल बना रहा हूँ। अब इस बूटेबल से मैं जो है क्या कहते हैं फिर इसको लैपटॉप में लगा के विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा। ये विंडोज़ 11 मेरे पास है, उसकी ISO फाइल है, ठीक है, विंडोज़ 11 2H2 का वर्जन है ये मेरे पास, ठीक है, 22 ये मई 2022 का रिलीज है। तो देखते हैं इंशाल्लाह इसके बाद क्या होता है कि जो है लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने USB को बूटेबल बना लिया, ठीक है, और अब जो है जैसे ही मैं आपको एक बार और दोबारा करके दिखा देता हूँ ये मेन्यू कैसे आया वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली देखें हुआ क्या है कि मैंने USB को बूटेबल बना दिया, सही है। अब होगा क्या कि मैंने USB लगाई है तो USB से मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं एक बार रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर F12 प्रेस। अच्छा देखें ये F12 मैंने यहाँ से प्रेस किया और ये हम चले जाएंगे यहाँ से वन टाइम बूट मेन्यू के अंदर। अच्छा जी तो ये हम वन टाइम बूट मेन्यू में आ गए हैं। यहाँ से हमें USB स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और USB स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो विंडोज़ 11 का इस तरह आता है। ये देखें ये USB स्टोरेज डिवाइस, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अच्छा जी ये विंडोज़ 11 का यहाँ पे इंटरफेस मेरे पास आ चुका है तो मैं यहाँ से इसको सिंपल नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, इसे इंस्टॉल नाउ सेटअप इज स्टार्टिंग। अच्छा ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मेरे पास वर्जन्स आ रहे हैं, विंडोज़ 11 होम, विंडोज़ 11 STD मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है विदाउट लाइसेंस विद ओन लाइसेंस और फॉर दोज, और मुझे प्रो करनी है तो मैं जो है वो डिजिटल लाइसेंस एक्टिवेशन के साथ इसको प्रो कर लूँगा, ठीक है, और विंडोज़ 11 प्रो DLA 64-bit ये वाली मैंने इंस्टॉलेशन करनी है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। ये आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लें, अच्छा यहाँ से आप कस्टम पार्टीशन में जाएंगे। अच्छा मैंने जो है अपना वो डेटा सारा सिक्योर कर लिया है दूसरी ड्राइव के अंदर, तो मैं जो है सिर्फ अपना जो SSD वाला पार्टीशन है ना उसको मैं डिलीट करूँगा और एक नया पार्टीशन बनाऊँगा। ये देखें एक अनएलोकेटेड स्पेस है इसको, और इसको यूज़ करूँगा ताकि जो है वो मेरे जो पार्टीशन से देखे, बाकी तो ये दो ये मेरी हार्ड ड्राइव है और बाकी ये जो है सारे ज़ीरो वाले जो हैं वो अनएलोकेटेड जो हैं ये सारे के सारे SSD के पार्टीशन है, तो इसको सबको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं सारे डिलीट कर देता हूँ।
ये यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये भी सिस्टम रिज़र्व जो है ये भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखें 87 GB आ गया, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। बाकी ये भी एक है, ये रिकवरी पार्टीशन है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, सही है। ये आ गया अनएलोकेटेड, और ये पूरी SSD है। तो अब मैं जो है ये पूरी SSD का एक पार्टीशन बना रहा हूँ, अप्लाई कर दूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक है। एक पार्टीशन बन जाएगा, और इसी एक पार्टीशन के अंदर मैं अपनी ये विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन करूँगा। फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ से ये फॉर्मेट कर दिया। अब फॉर्मेट करने के बाद यहाँ से इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। अब ये इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होती है तो हम आपके पास। अच्छा जी, तो हम लोग जो है इंस्टॉलेशन पे लगा के गए थे, और इंस्टॉलेशन जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है, बस ये फाइनलाइज पे है। जैसे ये फाइनलाइज होती है, फिनिश इंस्टॉलेशन होती है, तो फिर इसको रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर कि हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। इसका लोगो हमारे सामने आ चुका है, जो कि विंडोज़ 11 का ही लोगो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो है जो विंडोज़ 10 का लोगो हुआ करता था वो बिल्कुल कर्व में हुआ करता था थोड़ा सा, और ये जो है बिल्कुल मतलब इन फ्रंट ऑफ है, सामने की तरफ से नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विंडोज़ 11 हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, तो बस ये है कि अब ये रेडी हो जाए बस, तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं। अच्छा जी, सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं सारी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हमारी विंडोज़ 11 का इंटरफेस अभी स्टार्ट हो रहा है, और इसको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से US, ठीक है, US ही सिलेक्ट कर लेंगे, स्किप कर देते हैं, वाईफाई को हम बाद में लगा लेंगे। बस मैं पहले आपको इंटरफेस दिखा दूँ, उसके बाद फिर सारा अपडेट वगैरह भी आपने करना होगा। नाम लिख लेते हैं, सॉरी, ठीक है। पासवर्ड मैं अभी नहीं डाल रहा, बाद में मैं सारी सेटिंग करूँगा इसकी, बाद में इसकी सारी सेटिंग कर लेंगे हम। फिलहाल लोकेशन ऑफ कर देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेप्ट हो गया, भी है जो है वो हमारे सामने आएगा, थोड़ा सा अपडेट होगा, उसके बाद फिर ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारे पास विंडोज़ 11 का इंटरफेस, आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो चुकी है, और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ 11 का इंटरफेस आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये विंडोज़ 11, और इसमें जो हमने मेहनत करी, जो कोशिश करी विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए, वो हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल टेक टीचर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।